मेथी का पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हम इसमें गेहूं का आटा लेंगे और इसमें कटी हुई मेथी डालेंगे और इसमें थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, मिर्ची, थोड़ी सी नमक स्वादानुसार, और थोड़ी सी हींग। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम पानी डालकर गूथ लेंगे। अब ये इस तरह से हम जब इसको गूंथेंगे ये इस तरह का हो जाएगा। अब इस मीट को इसको इकट्ठा करके रख देंगे। अब हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तवा रखेंगे और गैस ऑन करेंगे और हम जो आटा है उसमें से लोई तोड़ेंगे। लोई तोड़कर इसको हम बेलेंगे। हमने इसको बेल लिया है। इस पर हम घी या तेल लगा लेंगे। मैंने इसमें घी का यूज़ किया है, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसको इस तरह से पलटेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। ये हमारा बेल चुका है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे और इसको हम सेकेंगे। जब तक ये हमारा सिकता है हम दूसरा बनाएंगे। इसी तरह से इसको हम पलट देंगे। ये हमारी एक साइड सिक गई है। अब हम इसमें घी लगाएंगे, इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसी प्रकार से घी लगाएंगे और इसको हम अच्छे से सेकेंगे। चम्मच से लेकर इसको दबा देंगे ताकि ये ठीक से पक जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये हमारा सिक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये हमारा सिक चुका है। इसको हम साइड में रख लेंगे। दूसरा पराठा भी इसी प्रकार से सेकेंगे। ये हमारा दूसरा पराठा भी सिक चुका है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।